हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने जो एमपीबी के ऊपर 3 वीडियो बनाई थी, उसके बाद मुझे कुछ लोगों के कॉल्स आए, कुछ पत्रकार लोगों के भी कॉल्स आए कि आपका मोटिव क्या है, आप इस तरह से एमपीबी के अगेंस्ट वीडियो क्यों बना रहे हैं। सबसे पहली बात, आज मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। जैसा कि हर बार बोलता हूँ, मेरा नाम अंकित वर्मा है, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, छोटी सी मेरी मोबाइल शॉप है। मैं जो मतलब छोटा सा मेरा एक काम है, मैं ये जो पूरी प्रॉब्लम चालू हुई है, ये मेरे यहाँ पर एक एमपीबी का 60,000 का बिल आने के बाद हुई है, जिसके कि बाद मैंने सब तरफ से इसमें लगभग 3 महीने मैंने हर तरह से कंप्लेंट करी, हर तरह के डिपार्टमेंट में जाकर के मैंने कंप्लेंट करी। जैसे नॉर्मल एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होता है, मैंने वैसे ही काम किया जैसे एक हर नॉर्मल इंसान जैसे करता है। लेकिन उसके बाद में भी जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले, 3 महीने मैंने अपना लाइफ का टाइम ख़राब किया इसके अंदर, और इसमें थोड़ा सा काम धंधा भी डिस्टर्ब हुआ। लेकिन ये 3 महीने का टाइम निकलने के बाद तब मुझे पता चला कि ये मतलब कुछ कोई सॉल्यूशन ही निकला। अपन जहाँ थे वहीं रहे, और जो जो दिक्कत थी वो वैसी ही बनी रही, ना कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इतना 3 महीने परेशान होने के बाद भी। तब जाकर के मतलब उस समय मैं टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि अब ऐसा लगा कि यार बिल्कुल, अब इतना करने के बाद, इतनी मेहनत कर, सही होने के बाद भी जब अपने को पता है कि एमपीबी के कुछ कर्मचारी इस तरह से काम कर रहे हैं, इतना करप्शन है, और जैसा कि उनको काम करना चाहिए उन्होंने वैसा काम नहीं किया, उसके बाद भी परेशान अपन ही थे। तब जा करके मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। उससे मैंने डिसाइड किया कि अब जा करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर मैं पूरी मेरी स्टोरी डालूंगा, जितनी भी अब तक मुझे इससे रिलेटेड परेशानियाँ हुई हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा कि इसको वीडियो बना करके मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पर अपलोड करने के दूसरे ही दिन से मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे, बहुत सारे मैसेज आने लगे, बहुत सारे ईमेल्स आने लगे, जिसमें कि लोग मुझे बताते कि जैसी आपको प्रॉब्लम आई ऐसी प्रॉब्लम हमको भी आई है, पर हम कुछ कर नहीं पाए। थोड़ा बहुत नॉमिनल सा डिस्काउंट दे करके हमको जो है पूरा, जिसको कि एमपीबी स्लैब डिस्काउंट बोलती है, कि नॉर्मल सा स्लैब डिस्काउंट दे करके हमें बाकी जो है पेमेंट भरना ही पड़ा। और उनमें से बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा ही कहना था कि जितना हमारा बिल आया उतने हमने बिजली ही नहीं जलाई है, इतना कुछ हमारे घर में है ही नहीं जिससे कि इतना बिजली जले। लेकिन उनको फाइनली एंड में वो बिल पे करना ही पड़ा। तो ये सब इतना सब जानने के बाद जब मेरे पास इतने तरह के ऐसे लोग आए जो मुझसे भी ज़्यादा परेशान थे, तब जाकर के मैंने ये डिसाइड किया कि अब अपने काम के लिए कुछ, अपने काम के लिए भी करना है और प्लस दूसरों के काम के लिए भी करना है। तब उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि अब मैं जो है अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी ये करूँगा। तब जाकर के मुझे ये आइडिया आया और मैंने वेबसाइट बनाई इसके लिए, जिस पर कि मैं अब एमपीवी से रिलेटेड जितने भी ऐसे केस हो रहे हैं जिन लोगों के, जिनको ऐसी प्रॉब्लम है जैसी मेरी हुई है, किसी के 30,000 का बिल, किसी के 40,000 का बिल, किसी का 50,000, ये लोग खुद मेरे से आकर के कांटेक्ट करते हैं, खुद मुझे अपने बारे में बताते हैं। तब जाकर के मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको अपनी साइट पर ऐसा डाटा अपलोड करूँ ताकि गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान जाए कि आपकी कितने लोग परेशान हैं। एमपीबी को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों को 30,000, 40,000, 50,000 के इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं। मतलब जो इंसान की कमाई ही 5-7 हज़ार रुपये महीना है, वो 50,000 रुपये का बिल कहाँ से भरेगा? आपको इस बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान जाना चाहिए कि ये क्या है, किस तरीके से काम चल रहा है। ये आए दिन पेपरों में आता है, किसी का 50,000 का बिल, किसी का 30,000 का, किसी का 40,000, क्या है मतलब ये? एमपीबी किस तरह से काम कर रही है? जब मैंने मेरा पहला वीडियो अपलोड करा था, उसके दूसरे ही दिन मुझे बहुत लोगों के कॉल्स भी आए, मैसेज आए, मेल्स आए। उन लोगों ने मुझे कहा कि जैसे ये प्रॉब्लम आपको हुई है, ऐसी ही प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, हमें भी 20,000 का बिल आया, हमें भी 30,000 का बिल आया, हमें भी 50,000 का बिल आया, आप हमारी कुछ मदद करिए। कुछ लोगों का ऐसा था कि उन लोगों ने बिल भर दिया, उनका मुझे ये कहना था कि आपने बड़ी हिम्मत करी है कि आप इस तरह से वीडियो बना करके एमपीईबी जैसी बड़ी संस्था से डायरेक्टली दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो अब ये तो वही इंसान समझ सकता है जिसके घर पर 50-60 हज़ार रुपये का बिल आएगा। मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि मैं एमपीबी का के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरी एमपीबी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो लाखों करोड़ों लोगों के घरों में बिजली पहुँचा रही है। लेकिन मेरी जो लड़ाई है, मेरी जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि जैसे मैं इसे ओवर बिलिंग और करप्शन से परेशान हूँ,
ऐसे और भी बहुत लोग परेशान हैं। एमपीपी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस साइड ध्यान देना चाहिए कि ये ऐसे कितने ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं ऐसे ओवर बिलिंग से, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हर इंसान के बस में नहीं होता है कि अपने रोजगार को छोड़कर वो इस तरह से एमपीपी के ऑफिसों में राउंड लगाएं। और जिसमें गलती जो ये है कि एमपीपी जो प्राइवेट ठेके देती है वो अपना बराबर काम करते नहीं है, उसके बाद ये परेशानी होती है। अब ये वीडियो बनाने के बाद मुझे एमपीपी के कुछ बंदे जो पर्सनली मिलने मुझे आंकते हैं और उसके बाद मुझे बोलते हैं कि तुमने अगर ये जो भी किया इससे अगर हमारी नौकरी जाती है तो हम तुम्हें देख लेंगे। ऐसे और भी बहुत लोग हैं। कुछ लोग अब फ़ोन तो नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ या मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो अब वो मुझसे फ़ोन पर तो बात नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि वो कोशिश करते हैं कैसे कहीं भी मुझे मिलते हैं या कोई आता है तो मुझे वो हर तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं कि हम तुमको देख लेंगे ऐसा वैसा। तो भैया ऐसा है कि अगर आप मुझे देख लेंगे, मैं तो आपको देख ही रहा हूँ, आगे भी देखता रहूँगा, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि मैं आपसे डरूंगा। मैं आपसे किसी भी तरह से डरने वाला नहीं हूँ, मैं जो ये काम कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा और मेरे साथ अब बहुत लोग सपोर्ट में हैं, तो अब आप बच के रहिएगा। अच्छी बात है कि अब आप लोगों को थोड़ा डर हुआ है इससे। मेरी बस यही कोशिश है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो एमपीपी में भी काम कर रहे हैं और उनसे जो बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है ये बंद हो। भैया आप किसी गरीब इंसान को परेशान करोगे अच्छी बात नहीं है।